नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल भाई। सुरेंद्र मलिक मूरा पॉइंट पे आप सभी भाइयों का स्वागत है भाई। आज की वीडियो भाई आप अपने डेयरी फार्म से लेके आ रहे हैं। आप डेयरी फार्म से क्यों लेके आ रहे हैं भाई? कई भाइया की मतलब कॉल भी आवे है और भाई गांव के गुआंढ के भाई यह बात पूछ ले है कई बार। अब भाई सुरेंद्र भाई, तू कुछ ना कुछ पशु ने अलग गेड़े है जो इतना दूध निकवाला है भाई, 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो, 28 किलो दूध काट है, तो कुछ ना कुछ भाई दुआई पानी दे वह पशु ने। तो भाई मैं सब ने भाई जब घर घर जाके तो बता नहीं सकता अगर भाई या चीज़ दे दे, या चीज़ दे दे, या चीज़ दे दे। तो बाद में वीडियो के माध्यम से सारे भैया ने बताना चाहूँ भाई मेरा डाइट प्लान, मेरे घर का जो डायरी का डाइट प्लान है वो क्या है। मैं आप लोगों को दिखाऊँ भी भाई मैं ये चीज़ गेड़ू हूँ और इतने टाइम डालू हूँ पशु को। कई बार भाई आप दो टाइम भी डाल दें, कई बार भाई आप मतलब लाइव चलानी हो या कहाँ कहीं भी रिकॉर्ड करवाना हो तो भाई तीन टाइम भी डालना पड़ जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई मैं मेरा डाइट प्लान पशुओं का क्या है। सबसे पहला तो भाई सारे भाई देख या खड़ है मिंदोड़े की खड़ आप यह डाला है, और ये भाई चिड़िया की चूरी है, और यह चिड़िया की भाई खंडा बोलते हैं जो चिड़िया का है वो भी ये देखो, और ये है भाई फोल्डर चने का हो गया। ये भाई अपना मतलब आप भाई किलो डालो, किलो किलो करके डालो या भाई डेढ़ डेढ़ किलो करके डालो, वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। क्यों भाई 20 किलो वाली भैंस ने कम से कम भी 12 किलो चाट मान के चलो मिलना चाहिए सारा दिन में, 24 12 घंटे में 12 किलो चाट खाओगी तो भाई 20+ दूध निकालेगी। यार आप सोचा भाई 4 किलो चाट काट के डाल के ना यार 20 किलो दूध निकलवा लिया तो कौन लगड़े भाई। दूसरी बात भाई यो दलिया है, एक टाइम मैं दलिया डालता हूँ रांध के, यूँ का दलिया इसमें थोड़ी ही ये खड़ मिला दूँ और रांध लिया खूब, मतलब शाम में दरवा जा तो दोपहर को डाल दूँ इसको। और ये मेथी है भाई, मेथी पिसवा रखी है, ये मेथी है जितना भाई अपन दाल निकाली शाम को, ये पहले भिगो जा घंटे पहले, और घंटे पहले भी हो के नर इसने भाई दाल निकालते हैं पशु को आगे आप धरांगे तो एक बारी जब मतलब पशु खाली हो है दूध से तो उसको भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है क्योंकि वो तंग हो जाता है ना सारा दिन भाई दूध के जोश में, तो उसको एक सर्ती भूख लग गए तो भूख लगने के लिए भाई हमें थी तो भाई तकरीबन पशु खाए ले है तो इसको भी घो के नर आप भाई आगे धर दें। और इसमें भाई मैं कई बार तेल भी डाल देता हूँ, सरसों का तेल जो पशु मानने है तो सरसों का तेल भी इसी के में डाल देता हूँ भाई, जिस तरह भाई ये गुड़ है भाई गुड़ की ओटी बना लो या भाई यहाँ पे साबत मतलब डड़ी छोटी छोटी डड़ी करके ने और साबत भी डाल उसको इसमें पशु खा लेगा इसमें राजी होके ने। दूसरी बात भाई ये तो मेरी डाइट, एक मीठा सोडा है भाई, ये मीठा सोडा है अपने पर थोड़ा थोड़ा करके ने मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम मीठा सोडा डेली पशु को देना चाहिए, क्योंकि मीठा सोडा एक ऐसी चीज़ है पाचन शक्ति को, पशु की पाचन शक्ति को बढ़ावा है, इससे बहुत ही बढ़िया मतलब गोबर भी बढ़िया करेगा और पाचन शक्ति जुगाड़ भी बढ़िया का। दूसरी बात भाई मैं मतलब 20 किलो दूध जब नॉर्मल में दे रही है अपनी दो ही टाइम चार डालता हूँ शाम को और सवेर को, और अगर मैंने भाई लाइव चलानी है या रिकॉर्ड करवानी है तो मैं तीन टाइम चार डालता हूँ। तीन टाइम चार कौन सा डालता हूँ? जिस तरह भाई खड़ और ये चूरी और ये क्या है खंडा और छिलका, ये तीनों चीज़ चारों चीज़ भिगो के ने सवेरे भिगो दिया तो भाई दोपहर को डाल दिया इसको, और शाम को भेज दिया और सवेर को डाल दिया, दो टाइम हो गया। तीसरी टाइम मैं क्या डालता हूँ ये दलिया जो आप भाई रंधवावा है खड़ मिला के ने, तीसरी टाइम एक बात और बताऊँगा भाई, तीसरी टाइम का फिर बताऊँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई पशु कई बार भाई जगह नहीं होती घुमाने के लिए, जगह नहीं होती सबके पास, कि मेरे पास तो भाई जगह है क्योंकि मेरे कम से कम भी 1 किलोमीटर जोड़ पे पशु जावे है घूम के आवे है, 2 घंटे भाई पानी में बैठ के आवे है, जुगाड़ के आवे है, गोबर भी कर आओ तो इसको भूख लगती है खूब। तो जब भी मैं 10 बजे 11 बजे पशु को लेके आता हूँ तो ये रेंदोड़ी चीज़ है जो खड़ है भाई अपने ये दलिया है ये डाल देता हूँ। तो आते ही भाई मेरी भैंस भी ये 24 किलो दूध दे रही है तो मैं इसको ये डालता हूँ। अगर मैं इसका बढ़ाऊँगा थोड़ा भाई लाइव चलाने की कोशिश है मेरी भाई थोड़ी, क्यों कोशिश मैं पहले भी चलाऊँ इसको क्योंकि ये 26 किलो पर पहुँच गई थी भाई। ये मौसम है भाई आप जाना सभी भाई मौसम चेंज होता रहे,
बार बंदरी है, गर्म गात है, रात में बूंद आ गई, मच्छर हो गए, तो उसके कारण भाई मौसम के कारण मैं लाइव नहीं चला पा रहा। तो 5-7 दिन में तब भी मौसम भी साफ हो जाए थोड़ा तो मैं लाइव चलाऊंगा। तो भाई तीसरे टाइम मतलब 11-10-11 बजे जब पशु घूम के आता है तो मैं ये डालता हूँ। गर्मी का मौसम है भाई, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तो पशु मारा 2 घंटे उड़ ले क्या वह तो उसी तरह हो जाए। अपना भाई जिसका घर में मान ले कोनी है, घुमाने की जगह नहीं है, तो घुमाने की जगह नहीं है तो भाई 1 टाइम 2 टाइम है पशु को मतलब अपना जब समरसी है भाई घर में पानी जो है अपने उस पर अच्छी डाल पशु ने जो ठंडा कर दिया तो पशु को भूख लगेगी भाई। यह बात सब ने बेरा है, जब बारिश आवे है या भाई आप जोड़ में ना क्या वहाँ नहर में ना क्या वहाँ तो नहाने के बाद में भूख लगती है, मानस ने भी भूख लग गए तो ये तो पशु हो गया भाई। तो तीसरी टाइम ये हो गया। और भाई एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों ने, पशु को चाट खिलाने के बाद में हरा चारा बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? पशु हरा चारा खा के नहीं, चाट खा के नहीं थोड़ा अपसेट जो होता है तो उससे ये जो हरा चारा आप डाल दें इसको 1-2 किलो तो यो खा के ने खुश होके ने जुगाड़न लाग देगा। हरा चारा इसलिए जरूरी है, कई भाई कहते हैं भाई हरा चारा कोई जरूरी नहीं होता, हरा चारा बहुत ही जरूरी है भाई। और सब्बत मिल जाए उससे बड़ी बातें नहीं भाई, यहाँ पे काट के ना दूध वाले की बात बढ़ा हूँ भाई, और तो अपन यहाँ पे भाई हरा चारा ही डाल रहा हूँ, चाट तो डालते ही नहीं, बेकार ही काटड़ी है अच्छी है तो डाल रहा, एक एक टाइम डाल दिया। तो दूध वाले के लिए हरा चारा भी भाई 1-2 किलो चाट खाने के बाद में बहुत ही जरूरी है। एक बात और बताऊंगा भाई अपना, ये वाइजेस्ट की लिक्विड है, ये लीवर में भी काम करे और भूख में भी काम करे, ये बहुत ही जरूरी है भाई पशु को दूध वाले को। जब तक लीवर काम करेगा मानस का लगा ले या पशु का लगा ले तब तक पशु बहुत ज्यादा खाएगा, अगर लीवर काम छोड़ देगा तो भाई भूख नहीं लगेगी। ये बहुत ही जरूरी है, रोज 50 ग्राम बहुत जरूरी है ये वाइजेस्ट। ये देखो भाई, ये देखो मैं ये जरूर देता हूँ भाई डेली वेज, और मीठा गुड़ भी बहुत देता हूँ भाई, गुड़ भी डालना पड़ता है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये था, कई भाई कई दिन हो गए थे यार भाई बत तू कोई अलग ते चीज देव है, दुआई देव है, फलानी चीज देव, दगड़ी चीज देव, तो मैं भैया ने यार कहता यार मैं कुछ नहीं दे रहा, बस ये चाट है मैं 2 टाइम डालूँ तीसरी टाइम। अब एक और भाई 12 किलो चाट खा वहाँ पे, एक तो 2 टाइम 6-6 किलो गेड़ा, वही यहाँ पे 3 टाइम डाल उसका, ये निकलता भाई मैं मतलब 12 किलो खावा उसको भाई 2 टाइम 12 गेड़ दिया, फिर तीसरी टाइम फिर 4 गेड़ दिया 6 गेड़, नहीं तीनों टाइम में 12 कर दो। पशु को पाचन शक्ति और जुगाड़ना बहुत जरूरी है, जुगाड़ेगा तो दूध निकालेगा, अगर जुगाड़ना बंद हो गया तो दूध नहीं निकालेगा भाई। ये मैं अपने दिखाऊंगा एक बारी, मेरी भैंस है ये 24 किलो अभी कांडा कर रही है तो मैं इसको दिखाऊंगा, ये सूखी चीज है भिगो नहीं रखी, कई भाई कह दे भाई उगर जाएगी नहीं उगरेगी, मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी आगे धरके ने ये सूखा नहीं खा गई, ये देखो भाई मैं इसका आगे सूखा धर रहा हूँ, ये सूखो को फल लगा ले हर चीज खाएगी, देखो कोई भी चीज धर दे तिखंडा धर दे वो धर दे सब ने खा जाएगी। तो भाई ये देखो मेथी लगा लो गुड़ लगा लो हर चीज ये खा जाएगी सूखे को, तो सूखा आप क्यों नहीं डालते? क्योंकि सूखा भाई भीतर में जाके ज्यादा पशु खा जाए तो भाई उफार आने की होती है। तो मैं ये तो आपको दिखा रहा हूँ भाई, मेरा मतलब कोई उगलने वाली बात नहीं, इसको अभी मैं 2 टाइम चार डालता हूँ और हरा चारा भी खाती है तो 24 किलो कांडा ये भैंस मेरी कर रही है। मेरे पशु के आगे कौन सा आगे दर्द हो भाई वो खा जाएगा, ये देखो भाई। तो भाई अपना मकसद ये था वीडियो बनाने का, कई भाई बताने का, तो भाई अपना तो देखो डाइट प्लान यही है ना, तो भाई यहाँ पे वैज्ञानिक है ना भाई जनी ओके बोले अगर डॉक्टर है, ज़्यादा डॉक्टर भी कौन भाई कह दे यहाँ पे मैं भाई सुरेंद्र मलिक ने डॉक्टर है फलाना भाई, अपना जो घर की जो चीज़ आप डाला हाँ घर पे जो डाला वो चीज़ डाइट प्लान अपन बताया भाई, किसी के भाई कोई कोई चीज़ सूट करे है किसी का कोई चीज़ सूट करे है, वो तो अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी हो जाए। मेरी यह थ्योरी है भाई मैं जो पशु ने डालूँ वो आप लोगों को बता दिया। तो भाई वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक भी कराया करो और शेयर भी कराया करो और सब्सक्राइब भी कराया करो, और कई भाई भाई फिर वही बात आ जो है मिला भाई आपका वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो भाई घंटी का बटन दबाया करो, मिलेगा मिलेगा क्यों नहीं, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो
राम राम, नमस्कार।